अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास रिव्यू के लिए एक ओल्ड मॉडल की गाड़ी मौजूद है, और ओल्ड मॉडल की गाड़ी मैं रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि ये गाड़ी बेसिकली फॉर सेल भी है और उन लोगों के लिए स्पेशल है जिनके पास बजट कम होता है। तो इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे, फुल डिटेल्स बताएँगे आपको। वीडियो को एंड तक देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गाड़ी हमारे पास जो है टोयोटा करोला इंडस है। मॉडल इसका 1994 है, 94 मॉडल है, लेकिन इंपोर्ट है 2013, यानी 2013 के मॉडल पे ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। कलर इसका सिंपल वाइट कलर है। इंजन इसका 1500 सीसी है। ये गाड़ी फुल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। पुरानी मॉडल है तो थोड़ी शायद टचिंग होगी या नहीं होगी, ये ज़रूरी नहीं है। बाकी रजिस्टर्ड गाड़ी है, स्पेशली सवात रजिस्टर है ये गाड़ी। नंबर आपके सामने है। तो ये इस गाड़ी का फ्रंट लुक है, और अगर इसके ग्रिल की बात करें तो इसका ग्रिल थोड़ा मॉडिफाइड है, थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है ब्लैक कलर में, और इसके जो इंटरनल में एक बारीक सी जाली लगा दी गई है। इसके अलावा इसके जो फ्रंट हेडलाइट है, इसमें हमें इंडिकेटर की ऑप्शन मिलती है, डीम की ऑप्शन और नॉर्मल एलईडी लाइट की। इसके बम्पर में ये जो लाइट होती है, ये जो इंडिकेटर लाइट होती है, ये काफ़ी लेंथी होती है। इसके अलावा ये कोई आफ्टर मार्केट नहीं लगाती, बल्कि ये कंपनी की तरफ से होती है। और यहाँ पर हमें बम्पर में एक्सटेंशन मिलती है, जो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है इसके बम्पर को। तो ये इस गाड़ी का फ्रंट लुक है। ये इस गाड़ी का साइड व्यू। अगर टायर की बात करें तो हमें मिलता है ट्यूबलेस टायर, जो कि 14 की साइज़ का है। इसके अलावा इस गाड़ी में कोई स्पेशल या स्पोर्ट्स रिम मौजूद नहीं है। पुराना मॉडल है तो इसी वजह से इसका जो साइड मिरर है बिल्कुल सिंपल है, कोई इंडिकेटर की ऑप्शन हमें नहीं मिलती। हैंडल भी पुराने मॉडल्स के हैं, कोई आफ्टर मार्केट चेंज नहीं हुए हैं। चलते हैं बैक साइड पर। ये इस गाड़ी का बैक साइड है। और ये मैंने इसकी खोली है डिक्की, तो आप इसकी इंटरनल डिक्की कंडीशन भी देख सकते हैं। ये इसकी इंटरनल कंडीशन है। ये गाड़ी पेट्रोल ऑपरेटेड है, कोई सीएनजी इंस्टॉल नहीं हुआ है। अगेन साइड व्यू। ये हो गया इसका एक्सटीरियर। और एक चीज़ मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि इंजन की इंटरनल कंडीशन क्या है, लेकिन उससे पहले आप इंटीरियर देख ले इस गाड़ी का। ड्राइवर साइड का फ्रंट डोर, और सब कुछ सैंपल है, कोई क्रोमिंग वगैरह या कोई लेदर वगैरह इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि पुरानी मॉडल है। या सीट में एक रोटेटेबल बटन है, ठीक है, आप इसको रोटेट करके इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। इसके जो सीट्स है नॉर्मल सीट्स है। इंटरनल कंडीशन काफ़ी बस नॉर्मल है। और ये इस गाड़ी का मीटर है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये इसका डैशबोर्ड, स्टीयरिंग जो कि नॉर्मल स्टीयरिंग है, ये गाड़ी की से स्टार्ट होती है। ट्रांसमिशन इसका फुल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। ये गाड़ी की से स्टार्ट होती है, और इसका जो स्टीयरिंग है वो नॉर्मल स्टीयरिंग है। चलते हैं बैक सीट पे। बैक डोर में भी सेम कलर, सेम कम्बिनेशन है, मोस्टली ब्लैक कलर का है। ये इसकी बैक सीट्स है। और इसका रूफ भी मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये गाड़ी इसका जो पूरा फ्रंट पार्ट है आपके सामने है। चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। अगेन बैक सीट।
फ्रंट डोर, फ्रंट सीट अगेन। इंटरनली भी एक गाड़ी नॉर्मल है, कोई ख़राब कंडीशन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि 94 का मॉडल है। फाइनली बात करते हैं प्राइस की, तो इस गाड़ी की मैं फ़ाइनल प्राइस बताऊंगा, फ़ाइनल बस फाइनल, उसमें मज़ीद कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी हो, आप परचेज़ करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे आ रहा है नंबर, और नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए। तो फाइनली फ़ाइनल प्राइस इस गाड़ी की है 14.5 लाख रुपये। तो अगर इस रेट में आपको ये गाड़ी अच्छी लगी हो, क्योंकि रजिस्टर्ड गाड़ी है और साथ में ओल्ड मॉडल भी है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना भी ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।